हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले 2019 की मलयालम एक्शन थ्रिलर फिल्म मिखाइल का, जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि मिखाइल के नाम से रिलीज किया गया है। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया अनीप अडेनी ने। मूवी के लीड रोल में निविन पोली, उन्नी मुकुंदन, मंजीमा मोहन, सिद्दीकी, बाबू एंटनी और जेडी चक्रवर्ती। तो चलिए अब जानते हैं मूवी की स्टोरी क्या है। स्कूल में कोई एक अपमानजनक घटना के बाद एक स्कूल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। अब इस बच्चे के फादर, जो एक ब्रूट बिजनेसमैन है, अब उनके ऊपर जुनून सवार हो जाता है कि इस इंसिडेंट के पीछे जो कोई भी रिस्पॉन्सिबल है उसे खत्म कर दे। मिखाइल में आपको द ग्रेट फादर यानी कि डेसिंग जिगर वाला मूवी का फ्लेवर लगेगा। वैसे ये दोनों मूवी हनीफ अडेनी ने डायरेक्ट की है। कहानी बनाने वाले सभी चीजों की ट्रिगर स्कूल के बच्चे हैं। फिल्म की नरेशन नॉन लिनियर तरीके से की हुई है। गैंगस्टर बिजनेसमैन जॉर्ज का बेटा अपने स्कूलमेट्स की एक लड़की को कराटे स्पार के लिए चैलेंज करता है, लेकिन सब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं रहती है और इश्यू कंट्रोल के बाहर हो जाता है। बच्चों के ईगो की वजह से पूरी मैटर बिगड़ जाती है। इस फिल्म में आपको स्विंग की कार्स, हुडी वियरिंग कैरेक्टर्स, सो गेटअप्स, स्लो मोशन सिक्वेंसेस, सनग्लासेस, कॉस्टली वॉचेस और कॉकटेल रिंग्स, ये सभी एक सीन के बाद दूसरे सीन में देखने को मिलेंगे। अगर आप मास एंटरटेनमेंट वाली फिल्में पसंद करते हो तो आपको ये सब जरूर एंटरटेन करेगा। सभी सीन्स में आपको एक के बाद एक लाइन में पंच लाइन्स देखने को मिलेगी। सिद्दीकी ने बिजनेसमैन जॉर्ज के कैरेक्टर में काफी बढ़िया तरीके से अपना काम किया हुआ है। फिल्म का फाइनल फाइट सीक्वेंस आपको थोड़ा सा लंबा और सेंसलेस लगेगा। फिल्म में कुछ अच्छे थ्रिलर सीन्स देखने को मिलेंगे और क्लाइमेक्स में रिवील की हुई इंटरेस्टिंग डिटेल आपको जरूर पसंद आएगी। फिल्म का फर्स्ट हाफ, जहाँ पे सभी इंसिडेंट के रीजन आपको थोड़े से प्रिडिक्टेबल लगेंगे, जिसकी वजह से पोस्ट इंटरमिशन में आपको उतना थ्रिल नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिल्म का सेकंड हाफ लंबा है, जहाँ पे आप इंतजार करोगे कि हीरो विलन के साथ क्या करेगा और पनिश कैसे करेगा। निविन पोली ने ईमानदारी से राउंड हाउस की के सर्जिकल नाइफ वेडिंग डॉक्टर माइकल जॉन की भूमिका निभाने की कोशिश की है, लेकिन MBBS के स्टूडेंट के रूप में और जब वो हीरो बनते उस अवतार में सभी चीजें उतनी स्मूथली हमें कनेक्ट नहीं होती है और निविन पोली का एक कैरेक्टर उन पर प्रॉपर तरीके से सूट भी नहीं कर रहा था। फाइट सिक्वेंस फोर्सफुली एड किए हो ऐसा लगता है। आर्टिफिशियल डायलॉग लाइंस और उसे डिलीवर और एग्जीक्यूट करने की स्टाइल हमें किसी भी प्रकार का थ्रिल क्रिएट नहीं करते। फिल्म का एक सीन जहां पे निविन पोली का कैरेक्टर विक्टिम को बताता है कि वो किस प्रकार से मारा जा सकता है, वो सभी बातें आपने दूसरी कई साउथ इंडियन मूवीज में देखी हुई होगी। उन्नी मुकुंदन का लुक फिल्म में अच्छा था, लेकिन मेकर्स ने पॉइंटलेस सीन्स में उनके इस लुक का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। एग्जाम्पल के तौर पे एक सीन जहाँ पे वो बॉक्सर्स पहने किसी और के बाथरूम में से निकल रहे थे। उन्नी मुकुंदन की फिल्म में कुछ पंच लाइन्स थी, वो भी फिल्म की कमजोर स्टोरी और वीक नरेशन से धुंधली हो रही थी और ये सभी चीजें फिल्म को एवरेज बना रहे थे। कुल मिला के कहे तो एक्शन थ्रिलर फिल्म मिखाइल एक एवरेज मास एंटरटेनर फिल्म है, जिसमें आपको कुछ अच्छे और कुछ एवरेज मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। फिल्म के क्लाइमेक्स में आपको कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल देखने को मिलेगी जो आपको शायद पसंद आए। तो मैं इस मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म मिखाइल को 5 में से 2.9 की रेटिंग देता हूँ। वैसे तो ये एक एवरेज फिल्म है, लेकिन अगर आप मास एक्शन मसाला फिल्में पसंद करते हो तो आप ये फिल्म देख सकते हो। तो बस आज के रिव्यू में इतना ही था। तो आज का हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा? अगर आप ये मूवी देखते हो तो मूवी देखने के बाद हमें कमेंट करो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो और भी ऐसे साउथ इंडियन मूवी के रिव्यू के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज़ की अपडेट के लिए, सभी प्रकार के साउथ इंडियन मूवीज़ के टेलीविजन प्रीमियर, यूट्यूब प्रीमियर के रिगार्डिंग कन्फर्म और ऑफिशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।